दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो भी चीजें हमें फ्री में मिलती हैं, वही सबसे ज्यादा कीमती होती हैं। जैसे कि हमारी नींद, शांति, आनंद, हवा, ये पानी, ये प्रकाश और सच्चा प्रेम, और एक ऐसी चीज जिसके बिना हम जी भी नहीं सकते, और वह है हमारी सांसें। हम में से हर कोई इस वास्तविकता को जानता है कि हम चाहे कितने भी पैसे क्यों न खर्च कर लें, लेकिन हम इसे कभी खरीद नहीं सकते। लेकिन उसके बाद भी हम इसकी कदर नहीं करते, हम इसे यूं ही व्यर्थ करते हैं, हम इसे यूं ही बेकार कर देते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने इस भागदौड़ के जीवन में अपने गलत विश्वास के कारण इन चीजों पर ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पाते। हम में से हर किसी को केवल धन कमाना है, संपत्ति बनानी है, अपना नाम करना है। आज हम में से हर कोई अपने जीवन में एक अलग भूमिका निभा रहा है। हो सकता है कि आप किसी के बेटे हों या फिर बेटी हों, आप किसी के माता या पिता हो सकते हैं, आप किसी की पत्नी या पति हो सकते हैं, या फिर आप किसी की बहन या फिर भाई भी हो सकते हैं। लेकिन क्या कभी आपको एक पल के लिए ऐसा लगा है कि आप अपनी यह भूमिका निभाते निभाते अब थक चुके हैं और आपके पास आपके लिए ही समय नहीं बचा? क्या आपको कभी एक पल के लिए ऐसा प्रतीत हुआ है कि जो जीवन आप जी रहे हैं वह जीवन आपका है ही नहीं, आप तो केवल दूसरों के लिए जिए जा रहे हैं? और असल में इसका कारण यह है कि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं उस समाज के कारण हमें ऐसा महसूस होता है जैसे कि हमारा कोई निजी जीवन है ही नहीं। हम लोगों की भीड़ में रहकर भी अपने आप को एकदम अकेला पाते हैं। आजकल के इस भागदौड़ के जीवन में हमें जो भी चीज चाहिए वो हमें तुरंत चाहिए, हम उसके लिए इंतजार नहीं करना चाहते। आज किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि वह खुद के लिए कुछ समय निकालकर अपनी जिंदगी के बारे में एक पल के लिए शांति से बैठकर यह सोचे कि मेरा जीवन किस तरफ जा रहा है और मैं अपने जीवन में क्या पाना चाहता हूं। अगर आपके मन में भी यह प्रश्न है तो यह वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे समाधान मिलेंगे जिससे आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। एक बार की बात है, एक बहुत ही गरीब व्यक्ति जो अपने दुखों से बहुत परेशान था एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है और उन बौद्ध भिक्षु के सामने दोनों हाथ जोड़कर वह उनसे कहता है, हे गुरुवर, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं, कृपया करके मेरे दुखों को दूर करने का कोई तरीका बताएं। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे दुखों और परेशानियों के लिए कौन जिम्मेदार है? इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो दुनिया है ये मुझे जीने नहीं देना चाहती, ये समाज, मेरा परिवार और मेरी परिस्थितियां सभी मेरे दुखों का और मेरी परेशानियों का कारण बने हुए हैं। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, जब तुम खुश होते हो या फिर उदास होते हो तुम्हें क्या लगता है कि क्या यह दुनिया तुम्हारी उदासी और खुशी के लिए जिम्मेदार है? यदि तुम ऐसा सोचते हो, यदि तुम्हारे मन में ऐसे विचार आते हैं तो यह बिल्कुल गलत है। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा सा अचरज में पड़ गया और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? आप ये कह रहे हैं कि यह समाज, मेरा परिवार और ये परिस्थितियां मेरे दुखों का कारण नहीं है बल्कि मैं ही अपने दुखों का कारण हूं। इसका जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, असल में यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस दुनिया को किस नजर से देखते हो। इस समाज ने ना तो तुम्हें सुख दिया है और ना ही दुख, क्योंकि हमारा तो पूरा जीवन इसी समाज में बीतता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमें इसी समाज में रहना पड़ता है और इसी दौरान जो भी हम जानकारियां ग्रहण करते हैं उसी से हमारी मानसिक अवस्था का निर्माण होता है। जैसे यदि हम खुश होंगे तो हमें कैसा महसूस करना है,
यदि हम दुखी होंगे तो हमें कैसा महसूस करना है। वास्तविकता में तो एक इंसानी मस्तिष्क इसी प्रकार काम करता है, और सबसे पहले हम मनुष्यों के मस्तिष्क में नकारात्मक विचार ही आते हैं, अर्थात कि इंसानों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वह सकारात्मक से पहले नकारात्मक बातों की ओर अधिक ध्यान देता है। इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? इसका जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, सच तो यही है कि हमें अपने जीवन में खुशी के पल खोजने होते हैं। हमें खुद को इस प्रकार निर्मित करना होता है कि हम हर पल खुश रह सकें, हर पल का हम आनंद ले सकें, क्योंकि खुशी किसी मौके की मोहताज नहीं होती। यह तो पूरी तरह से तुम पर निर्भर करती है कि तुम खुश रहना चाहते हो या फिर दुखी। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि आप जो देखते हैं वो दिखाता है कि आप कौन हैं, अर्थात कि हमारा नजरिया हमारे व्यक्तित्व और हमारी सोच पर निर्भर करता है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति नकारात्मक है, उसकी सोच नकारात्मक है, तो वह इस दुनिया में हर चीज नकारात्मक ढंग से ही देखेगा। और इसी के विपरीत यदि कोई व्यक्ति सकारात्मक सोचता है, सकारात्मक बातें करता है, तो उसे इस दुनिया में हर एक चीज सकारात्मक ही नजर आएगी। वह हर चीज में खुशी ढूंढ ही लेगा, वह हर चीज में सफलता प्राप्त कर ही लेगा। महात्मा बुद्ध की नजरों में हर एक इंसान बुद्ध का स्वरूप था। अगर तुम अंदर से खुश हो तो यह दुनिया तुम्हारे लिए खुशहाल हो जाएगी, लेकिन अगर तुम अंदर से उदास हो तो फिर चारों तरफ तुम्हें केवल उदासी ही नजर आएगी। अर्थात कि यह सब कुछ तुम्हारे नजरिए पर निर्भर करता है। आपने देखा होगा कि जब कहीं पर कोई घटना घट जाती है तो हर एक व्यक्ति की राय अलग होती है, हर एक व्यक्ति की प्रतिक्रिया अलग होती है, क्योंकि हर किसी का नजरिया अलग है, हर कोई उस घटना के बारे में अलग तरह से सोचता है। लेकिन यह सोच गलत है। लोगों को यह बात समझनी चाहिए कि जो कुछ भी वह सोच रहे हैं, जो कुछ भी वह समझ रहे हैं, वह सब उस परिस्थिति के कारण है। उस परिस्थिति के कारण जो भी भावनाएं उनके अंदर उत्पन्न हो रही हैं, वह उसी हिसाब से उस पर बातें कर रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति को उस परिस्थिति पर क्रोध आ रहा है तो वह क्रोध में आकर अपनी भावनाएं प्रकट करेगा, और इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में ये सारी बुरी भावनाएं हम पर हावी हो जाती हैं, ताकि हम उन भावनाओं को खुद पर हावी होने से रोक सके, क्योंकि ये सारी भावनाएं स्थायी नहीं है। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, भंते, गुस्से और चिंता की भावना ये तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों को भी गलत तरीके से प्रभावित कर सकती है। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि गुस्सा स्थायी भावना नहीं है, इसलिए हमारा क्रोध कुछ देर बाद तो खुद ब खुद शांत हो ही जाएगा। तुम इसकी आदत डाल सकते हो, इसे एक बादल की तरह मान सकते हो जो कुछ देर में खुद ही गायब हो जाएगा, और अगर ना हुआ तो भी तुम शांत होने का इंतजार कर सकते हो, क्योंकि इस दौरान यदि तुम कोई निर्णय लेते हो तो भविष्य में तुम्हें अवश्य ही पछताना पड़ेगा। तुम खुद को शांत करने के लिए चाहो तो कुछ अभ्यास कर सकते हो, जैसे कि अपनी सांसों पर ध्यान लगा सकते हो। आगे वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, तो फिर मैं गुस्सा, नफरत और जलन जैसी नकारात्मक भावनाओं का सामना कैसे करूं? क्योंकि मैंने अक्सर ही देखा है कि जब भी ये मुझ पर हावी होती हैं, तो मैं थक जाता हूं और मेरे शरीर के भीतर पहले जैसी ताकत नहीं रह जाती। इसका जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, जागरूकता से अपने विचारों के प्रति जागरूक बनो, यही उत्तम मार्ग है जिससे तुम अपनी मानसिकता भी बदल सकते हो। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से प्रश्न पूछते हुए कहते हैं, भंते, जब तुम बुरा महसूस करते हो तो अक्सर तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, जब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे भीतर नकारात्मक भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो मैं उन्हें वहीं पर दबाने का प्रयास करता हूं, या फिर उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहता, और मैं तुरंत ही अपने मन को किसी और कार्य पर लगाने का प्रयास करता हूं, ताकि मेरा मन शांत हो जाए। उस व्यक्ति का यह जवाब सुनकर
वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, ये सारी कोशिशें बेकार हैं, क्योंकि वो सारे भाव तो तुम्हारे भीतर ही हैं, इसलिए अंत में वो तुम पर हावी हो ही जाएंगे। तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? इसका जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, जब भी अगली बार तुम ये महसूस करो कि तुम्हारे भीतर नकारात्मक भाव उत्पन्न हो रहे हैं, नकारात्मकता तुम पर हावी हो रही है और तुम बुरा महसूस कर रहे हो, तो ऐसे देखो जैसे कि वह भाव तुम्हारा हिस्सा है ही नहीं। जैसे कि मान लो एक राह से दो राहगीर गुजर रहे हैं और दोनों ही विपरीत दिशा में जा रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे से अनजान हैं। ऐसी स्थिति में वे दोनों ही राहगीर एक दूसरे को देखकर अपने अपने मार्ग पर आगे की ओर बढ़ चल जाते हैं। इसी प्रकार यदि तुम भी यह मान लेते हो कि वह भाव तुम्हारा हिस्सा है ही नहीं, तो वह भाव तुम्हें कभी परेशान कर ही नहीं सकता। लेकिन इस प्रकार की जागरूकता के लिए तुम्हें निरंतर अभ्यास करना होगा। किंतु अगर तुमने इस प्रक्रिया को अपना लिया तो यकीनन तुम पहले से बहुत शांत रहने लगोगे, तुम हल्का और अच्छा महसूस कर पाओगे। नकारात्मक भावनाएं हमारे जीवन का कभी भी एक स्थायी हिस्सा नहीं बन सकती और ना ही यह हमें कभी परिभाषित कर सकती हैं। इसलिए अपने भीतर उठने वाले हर एक नकारात्मक भाव को पूरी जागरूकता के साथ देखो और उस पर ध्यान दो। और हाँ, उसे जबरदस्ती दबाने का प्रयास मत करना, अन्यथा यह तुम्हारे पीछे लग जाएंगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर उठने वाले हर एक नकारात्मक भाव पर तुम काबू नहीं पा सकते। तुम गुस्सा भी करोगे, तुम्हें ईर्ष्या भी होगी, तुम उदास भी रहोगे, लेकिन यह भावनाएं स्थायी नहीं रहने वाली। ये सभी भावनाएं एक पल के लिए आएंगी और दूसरे पल चली जाएंगी और उसके बाद तुम फिर से खुश और अच्छा महसूस करने लगोगे। तुम्हें उसी पल का इंतजार करना है। आगे वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से एक और प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, संबंधों का हमारे जीवन में कितना महत्व है और गहरे रिश्ते और नए दोस्त कैसे बनाए जाते हैं? इसका जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बने रहने पर लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। इससे हमारी मानसिक शांति भी बनी रहती है। किसी परेशानी या विपदा के समय लोगों को किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जिन पर वह भरोसा कर सके। मान लो कि तुम किसी ऐसी परिस्थिति में हो, किसी ऐसे विपदा में हो जहां कोई तुम्हारा प्रियजन तुम्हें त्याग कर चला गया हो, तो क्या तुम्हारे महंगे वाहन या तुम्हारा आलीशान घर तुम्हें तसल्ली दे सकते हैं? क्या वह तुम्हारे मन को शांत कर सकते हैं? क्या वह तुम्हें उस मुसीबत से निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि चीजें इंसानों की जगह नहीं ले सकती। तुम चाहे कितने भी अमीर क्यों ना हो जाओ, तुम्हारे पास कितने भी पैसे क्यों ना हो, मुसीबत के समय तुम्हारा परिवार और तुम्हारे सच्चे मित्र ही तुम्हारे काम आएंगे। और यदि तुम्हें नए मित्र बनाने और अच्छा रिश्ता बनाए रखने में परेशानी होती है, तो सबसे पहले तुम्हें अपना नजरिया बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि हम अधिकांश ही लोगों को अच्छे से जाने बिना ही उनके बारे में अपनी एक गलत राय बना लेते हैं। इसलिए तुम जितना लोगों से मिलोगे, बातें करोगे, उन्हें समझोगे, उतना ही तुम उनके और करीब जा पाओगे, उन्हें और अच्छी तरह से समझ पाओगे, उन पर भरोसा कर पाओगे। लेकिन हम किसी के बारे में जाने बिना ही उनके बारे में एक राय बना लेते हैं, जैसे कि ये इंसान तो ऐसा होगा, ये तो वैसा होगा, ये भला क्या मेरी मदद करेगा। इसलिए दूसरों के बारे में जानने और समझने के लिए थोड़ा समय लो। हो सकता है कि सामने वाले के बारे में जो तुम्हारी राय है वह उससे मिलने के बाद, उसे जानने के बाद पूरी तरह से बदल जाए। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें सच्ची दोस्ती तभी मिलेगी जब तुम खुद सच्चे बनोगे, जब तुम खुले दिल से बात करोगे, सामने वाला भी अपने दिल की बात कहने के लिए हिम्मत कर पाएगा। और हाँ, ये भी याद रखना कि ठंडे स्वभाव वाले व्यक्तियों से हर कोई दरकिनार करने की कोशिश करता है। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, यह तो हो गई नए दोस्त बनाने की बात, लेकिन अगर मेरे पास पहले से ही मित्र हैं, रिश्ते हैं और उनके साथ मेरे रिश्ते टूटने की कगार पर हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? इसका जवाब देते हुए
वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, एक अच्छा रिश्ता बनाए रखना ऐसा ही है जैसे कि ठंडी में आग के पास बैठना। जैसे कि मान लो ठंड बहुत कड़ाके की पड़ रही है और ऐसे समय पर किसी ने आग जलाई है और उस आग से तुम दूर जाकर बैठते हो, तो उस आग की गर्माहट तुम तक नहीं पहुंच पाएगी, ना ही तुम उस आग की गर्माहट का एहसास कर पाओगे। और यदि तुम उस आग के बहुत पास बैठ गए हो तब भी तुम्हें ज्यादा गर्मी लगेगी। ठीक ऐसा ही जब किसी रिश्ते में करीबियां ज्यादा होने लगती हैं, तो अक्सर ही वो रिश्ते हमें उबाऊ लगने लगते हैं। इसलिए तुम्हें अपने रिश्तों में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। हाँ बेशक अपने रिश्तों में मजबूती तो बनाए ही रखनी चाहिए, लेकिन इतनी करीबी भी मत रखो कि सामने वाले को घुटन महसूस होने लगे। रिश्तों में तो कुछ दूरियां होनी ही चाहिए जिससे तुम्हारे दोस्त रिश्ते और करीबी लोगों के बीच रिश्ता मजबूत रहे। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, भंते, अब मैं तुम्हें ऐसी तीन बातें बताने जा रहा हूं जिन्हें यदि तुमने अपने जीवन में उतार लिया तो तुम हर हाल में खुश रहना सीख जाओगे। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को पहली बात बताते हुए कहते हैं, भंते, हम हमेशा ही यह उम्मीद करते रहते हैं कि लोग हमें दिलचस्पी लें, लेकिन लोग तुम्हें उतनी दिलचस्पी कभी नहीं लेंगे जितना कि तुम चाहते हो। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से प्रश्न करते हुए कहते हैं, भंते, क्या तुम्हें याद है कि पिछले हफ्ते तुम्हारे मित्र ने कौन से वस्त्र पहने थे और उसने तुमसे मिलकर तुमसे क्या कहा था? वो तुम्हारे साथ कहां गया था और उसने क्या खाया था? उन बौद्ध भिक्षु के मुख से यह प्रश्न सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर के लिए सोच विचार में पड़ गया और कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मुझे याद नहीं। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार तुम अपने मित्र की छोटी छोटी बातें याद न रख सके, उसी प्रकार तुम्हारे बारे में भी हर कोई तुम्हारी छोटी छोटी बातें याद नहीं रख पाएगा। और जब लोगों को तुम्हारे बारे में याद नहीं रहेगा तो तुम चिंता में पड़ जाओगे। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि चिंता करके क्या फायदा? असल में लोग हमारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना हमें लगता है। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को अगली बात बताते हुए कहते हैं, हर कोई तुम्हें पसंद करे ये जरूरी नहीं है। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, क्या तुम सभी को पसंद करते हो? नहीं ना। तो आखिर तुम सबसे ये क्यों उम्मीद करते हो कि हर कोई तुम्हें पसंद करेगा? यदि वह तुम्हें पसंद करता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं करता तो कोई बुरी बात नहीं। इसलिए किसी के पसंद या नापसंद से तुम्हारे जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं होना चाहिए। ये वास्तविकता है और इन बातों को स्वीकार करना सीखो। ये सब हमारे जीवन का एक हिस्सा है। और मेरी एक बात और याद रखना कि जीवन में सभी को खुश करना संभव भी नहीं है, तो फिर आखिर हम इतनी चिंता क्यों करते हैं? आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं, भंते, ज्यादातर जो भी चीजें हम दूसरों के नाम पर करते हैं वास्तविकता में वह हम खुद के लिए ही कर रहे होते हैं। इसलिए खुद के प्रति ईमानदार रहना सीखो और अपने दिल को मजबूत करो, तभी यह दुनिया भी तुम्हारे लिए मजबूत बनेगी। लेकिन अगर तुम स्वार्थी बनोगे तो यह दुनिया भी तुमसे अपना स्वार्थ ही निकालेगी। तुमने देखा होगा कि हर एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, वह अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहता है क्योंकि वह अपने परिवार से प्रेम करता है। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि लोग यह सोचकर डरते हैं कि कहीं उनके जीवन साथी या उनके बच्चे या उनके माता पिता को कहीं कुछ हो ना जाए। वास्तविकता में वह अकेले रहने से डरते हैं, और देखा जाए तो अंदर से हर इंसान स्वार्थी ही है, जब तक कि कोई बुद्ध या फिर महावीर ना बन जाए। इसलिए स्वार्थ से छुटकारा पाना तो मुश्किल है। इसलिए वही विचार करो जिसमें तुम्हें खुशी मिले। सुनने में ये बहुत आसान लगता है, और वास्तविकता भी यही है कि हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और यह बहुत आसान है, लेकिन हम उन चीजों को बहुत मुश्किल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मस्तिष्क कुछ इसी प्रकार काम करता है। वह सरल से सरल कार्यों को भी कठिन कार्यों में बदल देता है, और वह छोटा से छोटा कार्य भी
हमें बहुत बड़ा लगने लग जाता है, जिस कारण हम उससे डरकर भागने लगते हैं, उससे पीछा छुड़ाने लगते हैं, और हम उसका सामना नहीं करते और हम उसका समाधान करने का प्रयास तक नहीं करते। इसलिए क्या होगा यह सोचने की बजाय तुम अपना सारा ध्यान केवल वर्तमान में लगाओ, जो तुम अभी वर्तमान में कर सकते हो। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, तुमने कर्मों के सिद्धांत के बारे में तो सुना ही होगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, अर्थात इंसान को उसके कर्मों का फल मिलता ही है। इसलिए अगर भविष्य में तुम अच्छे फल चाहते हो तो तुम्हें आज से ही कर्म करने शुरू करने होंगे। जीवन में सफलता, खुशी और समृद्धि चाहते हो तो ईमानदारी के साथ मेहनत करना और सही कर्म करना शुरू कर दो। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु शांत हो गए और वह व्यक्ति भी अब यह समझ चुका था कि उसे क्या करना है, उसके दुखों का क्या कारण है और वह अपने जीवन में क्यों खुश नहीं रह पा रहा। उस व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया। वैसे उम्मीद है कि आपको भी आपके प्रश्नों का उत्तर तो मिल ही चुका होगा, और साथ ही आज आपने क्या सीखा वो मुझे आप कमेंट में भी जरूर बताइएगा। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।